साधु जी, अरे साधु जी, कहो कैसे हो? बढ़िया हो? अपने तो 4 बज गए। देखो हम समय के पक्के हैं, 1 मिनट यहां वहां नहीं हो सकता है। हम मानते हैं तुम्हारी घड़ी में 5 बज गए होंगे, 5:30, तो तुम लोगों की घड़ी डिस्टर्ब है, हमारी तो 4। लेकिन सही बताइए, झूठ नहीं बोल रहे। हम 3:30 बजे निकल गए थे अपने स्थान से जहां रुके हैं। रास्ते भर इतने फूल घले, एक माता जी ने तो नारियल फेंक के मारो हाओ, और एक माता जी ने, एक भैया ने तोड़ के अकौवा के फल दाए हाओ। बड़ा विचित्र भैया, नरसिंहपुर से तो हनुमान जी ही बचावे। आने में हमको लगभग 1-1.5 घंटा से ज्यादा लग गया। पूरे रास्ते भर गाड़ी रुकी। जब तुम टीवी पे देखो, अगर तुम्हें टीवी पे दिख रहा हुई है, ये पूरे रास्ते भर गाड़ी रुकी, जगह जगह ना रुकते तो आफत। जगह जगह हमें लगभग 6 किलोमीटर में 1-1.5 घंटा आने में लग गया है। लेकिन हमें लग रहा हो तो कि आज हम जिंदा जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। पर भैया नरसिंहपुर आकर के हम समझ गए कि भैया नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग भी संतों से कम नहीं है। धन्य है नरसिंहपुर, धन्य है यहाँ की भक्ति। ऐसा लग रहा जैसे आज महाकुंभ लगा हुआ हो। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। जहां देखो वहां पागलों की फौज खड़ी है। तीनों पंडालों में वहां हमें दिखाई पड़ रहा कुछ लोग, काका काकी मोड़ा मोड़ी, खेतन में बाहर खड़े टीले पे टंगे, कुछ लोग बाहर ट्रैक्टरों पे चढ़े, सामने दिखाई पड़ रहा कि पानी के टैंकर पे ही टंगे हैं। भैया ये आस्था का सैलाब देखकर, ये श्रद्धा का सैलाब देखकर, ये भक्ति का सैलाब देखकर हमें तो ऐसा लग रहा जैसे राम राज्य भारत में स्थापित हो रहा हो। ऐसा लग रहा जैसे वाली हो। ऐसा लग रहा कि अब तो हली उल्लाए वाले गठरी लेके भागने वाले हैं। बोलो सीताराम। बात एक और बोले, दरबार लगाना पर्चा बनाना तो बहाना है, असलियत में तो तुम्हें बालाजी का बनाना है। बोलो जय सियाराम, जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। भारत हिंदू राष्ट्र की। नरसिंहपुर के पागलो जय सियाराम। आज भगवान नरसिंह की धरती जो कृषि प्रधान है, ऐसा नरसिंहपुर जहां नर्मदा मैया एक तरफ बह रही, ऐसा नरसिंहपुर जहां के बरमान घाट की चर्चा पूरी दुनिया में है, ऐसा नरसिंहपुर जहां डमरू की घाटी की चर्चा पूरी दुनिया में है, ऐसा नरसिंहपुर जहां दादा महाराज के चमत्कार की गूंज विज्ञानकों के भी सीना फड़फड़ा देती है, ऐसा नरसिंहपुर जहां की गाडर बारा में आचार्य रजनीश ओशो के तर्क के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई, ऐसा नरसिंहपुर जहां भैया गन्ना की खेती में होती है और गन्ना की मिठास के साथ साथ यहां के लोगों के दिल और जुबान और जवान पे भी मिठास भरी पड़ी है, ऐसा नरसिंहपुर है जहां भगवान नरसिंह विराजमान है,
ऐसी पावन धरती पर आकर हम भी भैया धन्य हो गए। आज गुरुजी और बालाजी की कृपा हुई है, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए दिव्य दरबार लगाया जा रहा। जितने लोग तीनों पंडालों में बैठे, बाहर बैठे, जिन्हें बैठने नहीं मिला बाहर खड़े हैं, भैया चिंता मत करो, आज सबकी अर्जी स्वीकार होगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और पागलो, हमें और तुम्हें बालाजी की शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ रही, पर बालाजी की शक्तियां हमें और तुम्हें तो देख रही हैं। उनको तो हम तुम दिखाई पड़ रहे। भैया पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हंसते थे, अरे अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो चलेगा, अनपढ़ों का देश है। लेकिन जब लंदन की संसद में भी बालाजी का बंधन हुआ, और अंग्रेज भी जब चमत्कार देख के बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने अंग्रेज को कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा प्रताप नहीं है। अभी दुबई बुलाया गया, अभी हम 6 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लेकिन विदेश घूमने नहीं हम जा रहे, यह कथा लगा करके हम धन कमाने नहीं आते। दरबार में तो हम 1 रुपया दक्षिणा लेते नहीं, ना धाम पर लेते हैं, ना दरबार में, यहां कहीं बाहर लेते हैं। भैया हमें बालाजी ने जो कृपा या जो सिद्धि दी है वो धन कमाने के लिए नहीं दी, भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए दी है। जो भोले भाले हिंदू, इसी नरसिंहपुर में गोरखपुर के नजदीक भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा, हलीउल्लाह वाले झूठे चमत्कार दिखा रहे। हम भैया किसी के विरोधी नहीं है, हम तो सनातन हिंदुओं को जगाने आए, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, हर जगह ललकार कर बोलते हैं हम डरते नहीं हैं, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के जितने मजहब हैं उनके धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है कि बागेश्वर बालाजी की शक्तियों का सामना कर लें। ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, हम तो अनपढ़ गवार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं भैया, हम तो मूर्ख आदमी हैं, हम तो पापी जीव हैं, हम ना भगवान हैं ना हमारी कोई महिमा है, ये तो हमारे गुरुदेव का और बागेश्वर बालाजी का प्रसाद है। पर हम इतना बालाजी के बल पर कह सकते हैं कि कोई भी दूसरे मजहब का धर्म गुरु आएगा उसका पेंट गीला करके वापस भेजा जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं, किसका चमत्कार है? जोर से बोला, बागेश्वर, बागेश्वर। इसलिए तुम लोगों को हमारे चरण नहीं पकड़ना, किसके चरण पकड़ना है? अरे बोला, बालाजी के। किसके चरण पकड़ना है? उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे, उनके भी दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे, 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, 16 साल हमें सेवा करते करते हो गया, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर मंगलवार शनिवार को रोते हुए आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भर कर लेकर जाते हैं। लेकिन भैया यहां देर तो है पर अंधेर नहीं है। क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता,
अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। बोलो जय सियाराम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। हरे हरे। इसलिए आप लोग बालाजी के चरण पकड़ो, मन में राम नाम का जप करो। हमें 4 बजे आना था, हम अपनी घड़ी के हिसाब से आ गए। हां, तुम्हारी घड़ी के 5:30 बज गए तो हम क्या करें, तुम अपनी घड़ी को पीछे कर लो। हमारी घड़ी के तो 4 बजे, लेकिन अब आज कथा कम करेंगे, दरबार ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि तुम लोग बैठे तो परिचय के चक्कर में आओ। हम तुम्हारी बदमाशी जानते हैं, तुम्हें कथा से तो मतलब है नहीं। तुम तो गुरु जी हमारे बाप को नाम बताओ, हमारे मन की बात बताओ, हम जाने ही था तुम्हें। पर एक बात बोले भैया, परचा से चमत्कार नहीं होता है, न मन की बात बता देने से चमत्कार होता है। ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम किस लिए आए हो। हम जब भी अपने गुरुजी की सेवा में या जो भी हमें चूरन चटनी बालाजी ने दी है, जब भी हम संपर्क में बैठते हैं सन्यासी बाबा के, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुजी, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, किसी के प्रश्नों के उत्तर दे पाए या न दे पाए, पर जो दरबार में आवे उसकी समस्या का समाधान हो जावे, इससे बड़ा कुछ भी चमत्कार नहीं है।